प्रयागराज में एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या के मामले में दूसरे दिन भी पुलिस के हाथ फिलहाल खाली हैं और जो पीड़ित परिवार है वो इस पूरे मामले में कई मांगे रख रहा है। क्या मांगे हैं इस बारे में हम बात करते हैं कि परिवार के जो जीवित सदस्य हैं सुनील, जो कि मृतक राजकुमार के बेटे हैं, इकलौते बेटे हैं जो उस दिन घटनास्थल पर नहीं थे, इस वजह से उनकी जान बच गई। सुनील क्या चाहते हैं आप? जी, हम चाहता हूँ सीबीआई जांच हो और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से हमारा फेस टू फेस बात हो, और हमारी एक बेटी है 3-4 साल की, उसको पढ़ाई लिखाई प्लस जो है हमको एक नौकरी और 50 लाख रुपए मिलना चाहिए। सीबीआई जांच चाहते हैं? जी सर, सीबीआई जांच, इसका यह केस जो है खुलासा हो जल्द से जल्द। क्या लगता है कि सीबीआई जांच करेगी तभी ठीक से निष्पक्षता से जांच हो पाएगी, तभी असली कातिल वो पकड़े जाएंगे? जी, सीबीआई जांच होगी, अगर माननीय मुख्यमंत्री जी जो चाहेंगे तो वो हर काम हो जाएगा। जी, मुख्यमंत्री जी से अगर मिलना चाहते हैं आप, उनसे मिलकर क्या कुछ कहना चाहते हैं मुख्यमंत्री से? जी, जो ये हमारा घटना हुआ यही सब बात करेंगे उनसे। जी सर, क्या क्या मांग उठाएंगे मुख्यमंत्री जी से, क्योंकि मुख्यमंत्री जी हमारा चैनल देखते हैं तो हमारे चैनल के माध्यम से मुख्यमंत्री जी से क्या कहना चाहते हैं? यही सर, जो अभी कहा आपसे, हम यही बात करेंगे उनसे भी। जी, क्या क्या आप वो बताइए ना कि क्या अपील करेंगे मुख्यमंत्री? अपील करेंगे सीबीआई जांच चाहिए, कातिल पकड़ा जाए, हमारी बेटी को जो है पढ़ाई लिखाई करा जाए, हमको नौकरी मिले 50 लाख रुपए। जी सर, ये बताइए कि 2 दिन बीत गए हैं अभी तक पुलिस के हाथ खाली, अभी तक पुलिस किसी नतीजे पर भी नहीं पहुंची। सर, इसमें हम क्या बता सकते हैं ये बताइए, पुलिस कुछ ना कुछ तो कर रही है, रात भर लगी है। जी अच्छा, आपको क्या लगता है कि हत्या क्यों की गई जो है, खासकर जो परिवार की 2 महिलाओं हैं उनकी हालत देख कर? हत्या यही बलात्कार की साजिश से करी गई है। जी, लगता है आपको इस बात का की आशंका है? जी, बलात्कार हुआ है, आशंका हमको। लेकिन आपने जो तहरीर दी थी उसमें बलात्कार की बात नहीं लिखी थी, इसलिए FIR में तो बलात्कार लिखा ही नहीं हुआ है। अरे तो सर, उस समय हमारा दिमाग नहीं काम कर रहा था। हाँ, कल हम इतने वो थे सदमे में, हमारा दिमाग काम नहीं कर रहा था। जी सर, किसने लिखवाई थी आपसे एप्लीकेशन? एप्लीकेशन वो वहाँ लिखवाए थे। मतलब आप चाहते हैं कि इस पूरे मामले में 2 महिलाओं के साथ बलात्कार की उसकी भी धाराएं जोड़ी जाएं, उस मामले में भी तफ्तीश की जाए? जी जी जी। क्यों आपको ऐसा लगता है, क्या देखा था आपने मौके पर पहुंच? हमने मौके पर पहुंच के देखा, हमारे माता पिता का जो है सर और कुचला गया था, बहन का, और हमारे बहन का जो है कपड़ा वो था, मतलब उधरा था, और हमारे वाइफ का पूरा तन से कपड़ा उधरा था। जी, किसी पर शक है आपको? जी सर, अब किस पे करे सर, ये रोड चलती फिरती जो अकेले में घर आई है, एक आदमी के ऊपर शक था और वो डेयरी वाला जो है पकड़ा गया है। जी, जो दूध बेचने का काम करता था, जी घर की निगरानी हमेशा रखता था, घर के रिंगनार हमेशा वो करता था। जी, आप कल भी बता रहे थे कि कोई दूध वाला है जो आते जाते वो पत्नी को देख के रुक जाता था, धीमी कर लेता था, कौन था, क्या करता था? वो डेयरी का गाड़ी चलाता था दूध वाली। जी, क्या करता था? अरे मतलब वो नदियानी तरफ से आता था, डेयरी की गाड़ी लेके जाता था धीमे धीमे इधर से। जी, उस पर शक है आपको? जी, उस पे भी शक है, और प्लस जो है हमारे ससुराल में हमारे वाइफ का भी जो है कुछ पहले से मैटर था, 3-4 साल पहले से। जी, ससुराल का क्या मैटर? ससुराल का एक कोई लड़का इनकी बगल का था, वो जो है फोन ऑन करता था, तो एक आध बार जो है समझाया गया तो जो है सही हो गई थी। जी, क्या आता भी था क्या वो लड़का? जी, हम तो यहाँ रहते नहीं थे जल्दी, कभी कदार आते थे 2 हफ्ते में 10 दिन पे। जी, मुख्यमंत्री जी से यही अपील है कि निष्पक्ष जांच करवाएं और जल्द से जल्द जांच कराएं सीबीआई से। जी जी, सीबीआई से। परिवार के जो इकलौते वारिस हैं सुनील, उनकी ये मांग है कि इस पूरे मामले की जांच सीबीआई से कराई जाए और वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात भी करना चाहते हैं, उनसे मिलकर अपना दर्द रखना चाहते हैं और उनके सामने सीबीआई जांच की मांग को उठाना चाहते हैं। मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा, प्रयागराज। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।